सी क्वेश्चन नंबर वन और उसको ध्यान से पढ़िए। इसमें कहा जा रहा है कि एक कार है जो कि रेस्ट से शुरू हुआ है, फिर एक्स के रेट से एक्सलरेट हुआ और फिर डिसलरेट होते हुए जीरो पे वापस आ गया। अगर टोटल टाइम टी लगता है इस दौरान तो मैक्सिमम वेलोसिटी कार का कितना होना चाहिए। ओके, देन आई होप क्वेश्चन तो समझ में आ ही गया होगा कि कार जो है वो एक्स के रेट से एक्सलरेट कर रहा है। मतलब सबसे पहले जब कार शुरू हो रहा है पॉइंट ए से लेके बी तक, तो इसमें क्या होगा, ए से बी तक कार जाएगी। सबसे पहले सपोज ए से लेके इस पॉइंट पी तक कार का एक्सेलरेशन बढ़ेगा। एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो क्या होगा, एक्स रेट ऑफ एक्सेलरेशन है और फिर यहाँ से वाई के रेट से डिसेलरेट करेगा और टोटल टाइम यहाँ से यहाँ तक टी इलैप्स हो रहा है। तो हमको बताना है कि टोटल टाइम अगर टी लग रहा है तो मैक्सिमम वेलोसिटी कार का कितना होगा। तो इतना तो समझ में आ रहा है ना कि कार यहाँ से शुरू हो रही है और एक्सेलरेशन लेते हुए यहाँ तक पहुँच रही है और फिर स्लो होते हुए यहाँ तक। इससे ये समझ में आता है कि मैक्सिमम तरक्की उसका स्पीड में यहाँ तक हुआ होगा, क्योंकि उसके बाद वो बेचारा डिसेलरेट करने लगता है। तो एक्सेलरेशन वन हम बोल सकते हैं प्लस एक्स, एक्सेलरेशन सेकंड केस में माइनस वाई। डिसेलरेशन का मतलब ये होता है रफ्तार में कमी और एक्सेलरेशन का मतलब ये होता है रफ्तार सिंह, ठीक है। तो अब सबसे पहले सपोज़ ये टोटल टाइम अगर टी है तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम हम लोग क्या ले लेते हैं, टी वन। तो फिर यहाँ से यहाँ तक का टाइम क्या हो जाएगा, टी माइनस टी वन। ओके, देन फॉर केस वन मतलब ए से पी के लिए जब कार का एक्सेलरेशन वाला फेज चल रहा था और यहाँ पे उसका मैक्सिमम वेलोसिटी आया था। सो मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगा, यहाँ पे v इक्वल टू यू प्लस ए टी वाला फार्मूला लगाएंगे हम लोग तो आ जाएगा u प्लस ए टी। ये क्या होता है, एक्सेलरेशन, और u क्या था, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी जीरो था क्योंकि कार रेस्ट से शुरू हो रहा है और एक्सेलरेशन क्या है, x t। यहाँ पे t होगा कि t1 होगा, यहाँ पे t1 होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक के लिए जो टाइम है वो t1 है। ओके, v इक्वल टू एक्स टी वन, यही है मैक्सिमम वेलोसिटी। लेकिन ये दिया हुआ चारों ऑप्शन से मैच नहीं खाता है। हाँ, ये करना है कि आप लोगों को क्वेश्चन उतार लेना है। क्यों, क्योंकि या फिर ऑप्शन दिखेगा नहीं। ओके, सो यू हैव टू वर्क एटलीस्ट सम एटलीस्ट टू सम एक्सटेंट। सो वी गो टू एक्स टी वन हो गया उसके बाद, लेकिन ये आंसर नहीं ले सकते हम लोग क्योंकि क्वेश्चंस में जो डाटा है वो क्या है, एक्स वाई टी, तो आंसर भी उसी के टर्म में होना चाहिए। तो टी वन का वैल्यू यहाँ पे निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक के लिए जो डिसेलरेशन होगा उसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, मीन्स वेलोसिटी एट बी जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पी से बी के लिए फ्रॉम पी टू बी, यहाँ के लिए इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, एक्स टी वन, क्योंकि यहाँ तक जो वेलोसिटी आया वो यहाँ से जब गाड़ी डिसेलरेट होना शुरू होगा तो वहाँ के लिए तो इनिशियल वेलोसिटी कहलाएगा, मतलब v एट p। ओके, नाउ u इक्वल टू एक्स टी वन, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, u माइनस वाई टी माइनस टी वन, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का टाइमिंग क्या है, टी माइनस टी वन, और यहाँ फाइनल वेलोसिटी क्या हो रहा है, जीरो। तो फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगा कहाँ पे, एट b, जीरो। इनिशियल वेलोसिटी क्या था, एक्स टी वन।
माइनस वाई टी प्लस वाई टी वन। दिख नहीं रहा यहाँ पे, अब ठीक है। तो वाई टी माइनस वाई टी वन, अब लोग क्या कर सकते हैं, इसको बंद कर सकते हैं शायद। नाउ वाई टी माइनस वाई टी प्लस वाई टी वन, अब एक्स टी वन और वाई टी वन में टी वन कॉमन ले लेते हैं, एक्स प्लस वाई, और वाई टी को इधर भेज देते हैं। तो टी वन का वैल्यू क्या आ गया, वाई टी बाई, सॉरी वाई टी बाई एक्स प्लस वाई। ओके, लेकिन मैक्सिमम वेलोसिटी कितना था, मैक्सिमम वेलोसिटी वॉज एक्स टी वन, देयरफॉर वी मैक्स जो कि कहाँ पे अचीव हुआ है, पी पे, वो क्या हो जाएगा, एक्स टी वन। टी वन की जगह क्या रख देंगे, वाई टी बाई एक्स प्लस वाई, यहाँ से यहाँ टी का वैल्यू रख देंगे। नाउ वो क्या आ जाएगा, एक्स वाई बाई एक्स प्लस वाई इंटू टी। किस ऑप्शन से मैच हो रहा है ये, ऑप्शन वन विल बी द आंसर। एक बार और रिव्यू कर लेते हैं, मैक्सिमम वेलोसिटी यहाँ से यहाँ तक आया क्योंकि कार एक्सेलरेट कर रहा था यहाँ तक, उसके बाद डिसेलरेट कर रहा था, इसीलिए वेलोसिटी घटते आएगा। ओके, इसीलिए मैक्सिमम वेलोसिटी पी पे जो आएगा वही होगा, लेकिन टी वन के टर्म में हम लोग नहीं ले सकते हैं, कारण कि टी वन क्वेश्चन में नहीं है इसीलिए। ओके, सो आई होप समझ में आया होगा, तो इसको आप लोग नोट कर लिए आराम से, और उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। और हाँ, चैप्टर का नाम क्या है, मोशन इन वन डायमेंशन। ओके, नोट इट डाउन, मोशन इन वन डायमेंशन, यू कैन नोट इट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे और उसको भी नोट करना है। क्वेश्चन नंबर थ्री आराम से सॉल्व हो सकता है। इसमें बोला जा रहा है कि दो बॉल है, एक का मास m1 है, एक का मास m2 है, उसको फेंका जा रहा है ऊपर सेम स्पीड से। अगर हवा का रेजिस्टेंस को मान लेते हैं कि कुछ है नहीं, मतलब हवा उसके स्पीड में कोई चेंजेस नहीं लाएगा, तो दे विल पास थ्रू देयर पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन विथ अ स्पीड ए बी सी या डी। तो बोल रहा है कि अगर वापस से जिस पॉइंट से फेंका गया था उसी पॉइंट से जब वो गुजरेगा तो उसका रफ्तार क्या होगा, तो ऑफ कोर्स यू होगा। क्यों होगा, क्योंकि अर्थ इज़ अ कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड, जो भी फोर्स हम लोग इसमें देते हैं वो कंजर्व हो जाता है, मतलब ऊपर जाते समय ग्रेविटी के खिलाफ हम लोग जो भी काम करते हैं वो उसमें स्टोर हो जाता है, और वापस आते समय वही मिल जाता है। तो एयर रेजिस्टेंस तो नेगलेक्ट कर चुके हैं हम लोग, तो पहले जितना देर में स्पीड जीरो होगा, सपोज़ मान लीजिए कि 10 मीटर हाइट पे ये जाके वापस आने लगा, तो 10 मीटर हाइट पे जाके जब वापस आने लगेगा तो वापस उसी 10 मीटर को वो कवर करेगा नीचे आने के लिए। जस्ट सी लाइक दिस व्हाट विल हैपन, इट्स वेरी सिंपल, कि पहले सपोज़ ये हाइट है ए और ये बी, दो बॉडी है, दोनों को फेंका गया, पता नहीं हो सकता है इसका हाइट ज़्यादा हो, एम वन को फेंका गया, एम वन इतना ऊँचा गया और एम टू इतना ऊँचा गया। ओके, फेंकने का वेलोसिटी कितना था, यू, दोनों का सेम। हो सकता है मास जिसका ज़्यादा रहेगा वो कम ऊँचा जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे तो लग रहा है एम वन का ही मास ज़्यादा है, तो बड़ा गोला बना देते हैं और ये छोटा। तो होता क्या है यहाँ पे, कि यहाँ से यहाँ तक जाने में, जैसे कि अगर 5 मीटर का ऊंचाई ये चढ़ पाया
तो वापस जब वही 5 मीटर मतलब MGH हाइट पे डिपेंड करता है पोटेंशियल एनर्जी, तो जब वो वापस आएगा तो वही एनर्जी उसको धरती का ग्रेविटी से वापस मिल जाएगा, क्योंकि ये क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। यू विल स्टडी अबाउट दिस इफ़ यू गो थ्रू चैप्टर। कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड मतलब जो भी एनर्जी हम लोग लगाते हैं उस फोर्स के खिलाफ वो उसमें स्टोर हो जाता है। तो यहाँ ग्रेविटी के खिलाफ जो भी एनर्जी लगाते हैं वो स्टोर हो जाएगा। तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस, सिंपल सा बात है, एक गेंद को जितना ऊंचा फेंकते हैं उतना ही आके हाथ में हिट करता है। अगर बॉल को बहुत ज़्यादा ऊपर हिट करेंगे तो शुरुआत में हम लोग ज़्यादा हिट किए हैं ज़्यादा स्पीड से, तो वापस आते समय मिलेगा भी वो ज़्यादा हिट से, सिंपल। सो इट कैन बी प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस्ड। ओके, सो लेट्स सी अनदर क्वेश्चन इफ यू आर इंटरेस्टेड। लेट्स सी 22 नंबर। एक बॉडी को टावर के ऊपर से गिराया जा रहा है तो वो ग्राउंड 4 सेकंड में टच कर दे रहा है, तो कितना टाइम लगता है उस टावर के आधे दूरी तक उसको ऊपर से पहुंचने में, मतलब ऊपर से नीचे आने में अगर 2 सेकंड लग रहा है तो अगर हाफ डिस्टेंस पे रोक दिया जाए तो वहाँ तक पहुँचने में उसको कितना टाइम लगा होगा। तो ये तो पक्का है कि 2 सेकंड तो लगा होगा या 2 सेकंड से ज़्यादा लगा होगा, ये सोचना है। तो 2 सेकंड से तो ज़्यादा ही लगा होगा, क्यों? शुरुआत में स्पीड क्या होता है, कम होता है, धीरे धीरे स्पीड बढ़ता है। तो इस 4 सेकंड में अंतिम वाले सेकंड्स में उसका रफ्तार कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया होगा, तो कवर करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा होगा, लेकिन शुरुआत में तो टाइम लगेगा। तो 2 सेकंड से तो ज़्यादा ही होगा, तो या तो सी या तो डी, बट दिस कैन नॉट बी रूल्ड आउट लाइक दिस। ओके, सो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 में। ओके, सपोज कि उसको गिराया जा रहा है, ओके, 4 सेकंड्स में वो नीचे पहुंच जाएगा, कहाँ? ये टावर का टॉप है और ये नीचे है, तो यहाँ तक अगर जाने में इसको 4 सेकंड लग रहा है तो पूछा है आधा दूरी तक, मतलब h/2 डिस्टेंस जाने में कितना लगेगा। तो पहले ही पता है हम लोगों को 2 सेकंड से ज़्यादा लगेगा, लेकिन ये सिर्फ सॉल्यूशन नहीं है, ये फार्मूला सबको पता है, ut+ ½ gt2। तो इसमें s क्या है, डिस्प्लेसमेंट, यहाँ डिस्प्लेसमेंट क्या है, h मतलब टोटल हाइट। u तो 0 हो जाता है पहले ही, क्यों? जब भी फ्री फॉल होता है तो शुरुआत इनिशियल वेलोसिटी 0 होता है। नाउ हाफ g क्या ले लेंगे, g को g ही रहने देते हैं, t क्या है, 4, तो h टोटल हाइट कितना आ गया, हाफ g इंटू 16 8 इक्वल टू 8 g, मीन्स h क्या है, 8 g के बराबर है, h इज इक्वल टू 8 g। तो हम लोग क्या सोच सकते हैं, तो h इतना कवर करने में h को g के टर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि आगे आगे शायद आसानी हो या कुछ भी यूज़ करेंगे इसका जो भी आया है। तो नेक्स्ट h/2 हाइट को कवर करने में कितना टाइम लगना चाहिए, सॉरी, तो यहाँ भी यही टाइम लग गया, वही फार्मूला ut+ ½ gt2 वाला, ठीक है, u फिर से 0 होगा, लेकिन t यहाँ क्या होगा, t 4 सेकंड नहीं होगा, t वो होगा जिसमें वो h/2 कवर कर सके, तो वो हम लोगों को पता नहीं है तो t रहने ही देंगे। नाउ h/2 = ut+ ½ gt2, तो ये 0 फिर से यू के चलते हैं, h/2 = ½, जी क्या हो जाएगा, जी रहने देंगे और टी नहीं पता, लेकिन यहाँ h अगर 8 g है तो h/2 क्या होगा, 4 g, तो यहाँ 4 g रख देंगे और ये हो जाएगा ½ g,
टी स्क्वायर, जी जी कट जाएगा और एट इक्वल टू हो जाएगा टी स्क्वायर, टी इक्वल टू टू रूट टू, मतलब टी इक्वल टू रूट एट होगा, तो उसको सॉल्व करके टू रूट टू सेकेंड आंसर आ जाएगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है इस क्वेश्चन में, हम लोग ये भी सोच सकते हैं कि अगर यहाँ से हम लोग फेंकें तो यहाँ आने में इसको चार सेकेंड लगा, तो इमेजिन कर सकते हैं हम लोग कि केस बिल्कुल सेम है, नीचे से भी अगर उसको ऊपर फेंका जाता जब लास्ट में इसका जितना स्पीड पहुंच रहा था ना, मतलब सपोज़ एट द एंड ऑफ दिस पॉइंट उसका जो स्पीड था, अगर उतना स्पीड से नीचे से फेंका जाए तो भी वहीं तक पहुंचेगा, उस तरह भी इमेजिन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि अर्थ कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड प्रोवाइड करता है, दैट इज़ कॉल्ड ग्रेविटी, जो मिलता है वही लूज़ करते हैं हम लोग, या जो लूज़ करते हैं वो वापस उससे मिलता है। सो आराम से हम लोग देख सकते हैं कि टू रूट टू मतलब टू सेकेंड से ज़्यादा लगा। ओके अच्छा, कितना दूर चला होगा ये तो हमको लगता है सबको पता होगा, ये वाला फार्मूला आता ही होगा, चार सेकेंड में टावर का हाइट कितना होगा, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, तो यू तो जीरो होता है, एस क्या है डिस्प्लेसमेंट टावर का हाइट, तो यू अगर जीरो होता है और जी टेन होता है, सपोज़ ये फोर स्क्वायर होता है तो क्या हो जाएगा, फाइव इंटू फोर स्क्वायर एट्टी, एट्टी मीटर हाइट है टावर का, जो कि पूछा नहीं गया है पर वी शुड कैलकुलेट दिस थिंग्स, क्यों वाइड थिंकिंग छोटा छोटा क्वेश्चंस का आंसर अपने आप दे देता है। तो ऐसे भी ये हमेशा याद रखना है कि कोई भी बॉडी को अगर फेंका जाए ऊपर से फ्री फॉल में या नीचे से भी कुछ स्पीड से फेंका जाए, तो ये नीचे का हम नहीं बता सकते हैं क्योंकि नीचे में ये फार्मूला नहीं लगेगा, बिकॉज यू विल नॉट बी जीरो। हाँ वो इमेजिनेशन वाला केस अलग था कि मैक्सिमम पॉइंट मैक्सिमम वेलोसिटी यहाँ तक जो आ रहा था, अगर वही वेलोसिटी से नीचे से फेंका जाता तो यहाँ तक पहुँचता है, दैट इज़ अनदर थिंग। लेकिन फ्री फॉल में हमेशा ये फार्मूला लगेगा, कितना दूरी कवर करेगा इसके लिए एक शॉर्ट फार्मूला हमेशा दिमाग में रखना चाहिए, यू तो जीरो हो जाएगा, जी टेन हो जाएगा और टी स्क्वायर ये कट के फाइव टी स्क्वायर आएगा, दैट इज़ एस। एस को क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, हाइट भी, तो फॉर टी इक्वल टू वन एस क्या होगा, फाइव इंटू वन स्क्वायर मतलब पाँच मीटर। अगर कोई बॉडी हवा में एक सेकंड के लिए रहेगा तो वो कितना कवर करेगा, पाँच मीटर, लेकिन वही दो सेकंड के लिए कितना कवर करेगा, सीधे बीस। अगर तीन सेकंड हवा में रह गया तो 45। सिमिलरली फोर स्क्वायर इंटू फाइव कितना हो जाएगा, 80। फाइव स्क्वायर इंटू फाइव 125, मतलब हर सेकंड के बाद उसका दूरी बढ़ते जाएगा और वो बढ़ना भी चाहिए क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू क्या होता है, 10। उसका मतलब समझिए हर एक सेकंड के बाद रफ्तार में 10 मिनट का इंक्रीमेंट, सॉरी 10 मीटर पर सेकंड का इंक्रीमेंट होगा। सो आई होप कुछ समझ में आया होगा, और नहीं आया होगा तो थोड़ा पेशेंसली देखिएगा, और फिर भी नहीं आएगा तो वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। सो प्लीज़ कमेंट में फीडबैक देते रहिएगा, वॉट एवर विल बी योर प्रॉब्लम दैट विल बी सॉल्व इन द सब्सिक्वेंट क्लासेस। अगले क्लासेस में जैसे जैसे होगा कमेंट के हिसाब से चेंजेस लाया जाएगा, हो सकता है फर्स्ट वीडियो है तो थोड़ा मोड़ा तो समझते होगा ही, हमको भी आपको भी। ओके बाय।